कैसा लग रहा जीत के गाइस? आज सैटरडे 3rd February एंड 12:30 बजे लेक्चर ख़त्म हो गया था एंड गेस व्हाट, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं इंटर कॉलेज, तो आज माइका में है स्पोर्ट्स, उनका नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट है जहाँ पे सारे टॉप बी स्कूल या फिर अलग अलग जगह से बी स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज बास्केटबॉल भी IIMNU रिप्रेजेंट कर रहा है एंड इवन फुटबॉल की टीम भी खेल रही है। सो मैं मेरे फ्रेंड रॉजर एंड पूरी IIMNU टीम को सपोर्ट करने जा रहा हूँ। रॉजर से मिलते हैं। सागर, सो कैसा लग रहा है आज क्वार्टर फाइनल ना आप लोग? यस यस, सुपर एक्साइटेड गाइस, आवर मैच इज अगेंस्ट IIM Ahmedabad। सुपर, आई मीन मुझे पता है पूरा टीम तगड़ा है, क्वार्टर फाइनल खेलेंगे एंड बहुत बार इन लोगों ने इंटर कॉलेज जीता भी है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। डेफिनेटली डेफिनेटली। और नीरज भाई, कौन सी मैच चल रही है अभी? सागर भाई, अभी किरमा आनंद का चल रहा है और माइका ब्लैक का मैच चल रहा है। अच्छा, अपना अभी बास्केटबॉल का चालू होने वाला है तो तेरे कंटिजेंट को लेके आ जाओ फटाफट। चलो भाई चलो, आपके सपोर्ट में बाहर हो गए बच्चे, वो आ जाओ, आपके सपोर्ट में हम सब है। चलो 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 चलो, फिर बाल बना लूंगा भाई। स्मार्टी है तू, भाई बाल बनाने की क्या जरूरत है? बाल की जरूरत है यार भाई। सो राहुल, एक्साइटेड? आधे घंटे में मैच है तुम्हारा। हाँ भाई, बहुत ज़्यादा। क्या सीन लगता है, किसके सामने मैच है? मैच है KJ सुमाया। अच्छा, जीत जाएंगे? जीत जाएंगे, सही है सही है। एंड मतलब टोटल कितने चल रहे हैं, मतलब आज अभी बास्केटबॉल है, फुटबॉल है एंड चेस हो गया, गर्ल्स का वॉलीबॉल का है। ओके, सही है सही है। रात को बैडमिंटन है। ओके ओके, अच्छा बढ़िया बढ़िया। एंड राहुल अभी बास्केटबॉल कोर्ट वो अकेला आ चुका है, जस्ट यू वांट टू ड्रिबल, तो कर रहा है। मैं कैंटीन चलता हूँ, सब लोग वहाँ बैठे हैं दूसरी टीम्स। They are warming up for the match. So abhi we are prepared. Match start होने वाली है। अबे तो कुलदीप की टीशर्ट। निर्मा versus KJ Soumya। Full pumped up है। Let's see, let's see. Oh,
सो अनफॉर्चुनेटली हम लोग बास्केटबॉल तो हार गए, बट हारने की शुरुआत कहाँ से हुई थी वेद? माइका की शुरुआत ही क्रिकेट से हुई थी अपन। बट कोई नहीं, टफ मैच था भाई, मतलब एक पॉइंट से रह गया, लास्ट 36-33 था एंड देन लास्ट 37 सेकंड्स बाकी थे एंड हमारी टीम ने IMNU ने दो स्कोर कर दिए, एक स्कोर हो जाता तो काश हम जीत जाते। बट कोई नहीं, दुर्गेश भाई क्या बोलते हो? मैच तो बढ़िया था भाई, फुटबॉल में उम्मीद है हमारी, उम्मीद है अभी फुटबॉल में, उम्मीद है फुटबॉल में गोल आ रहा है इस बार, गोल आना चाहिए। अभी हमारा मैच है IMNU वर्सेस आयन अहमदाबाद, लेट्स सी, बहुत तगड़ी टीम है IMNU, हमारी टीम बहुत तगड़ी टीम है, लेट्स सी लेट्स सी। हमारी ऐसे कॉलेजेस हैं सेम लेवल पे, 1920 बट स्टिल IMNU दे रहा है। थ्रू द गेम मिड खाली नहीं होना चाहिए, कोऑर्डिनेट करके खेलना, भले अटैक किया फिर मिड में जाना, अटैक किया फिर मिड में जाना, ज्यादा अपने को डीप नहीं जाना, केविन वहां रहेगा, हमेशा एक ट्रायंगल बना के खेलना है जो इनके फाइनली IMNU एक मैच जीती है, क्वार्टर फाइनल जीती है, अभी दो दिन के इंतजार के बाद पहला मैच जीते हैं। ये नहीं बोलना चाहिए था बट ठीक है, बहुत सारे मैच जीतने के बाद अभी एक फुटबॉल की मैच जीती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, सो IIM अहमदाबाद को हरा के अभी सेमीफाइनल में गई है एंड करेंटली अभी आज रात के 10 बजे अपना मैच है, हाँ सेमीफाइनल फिर से मैच है, सो अभी मैच अगेंस्ट है IIM वर्सेस माइका ब्लैक एंड एक और बेस्ट चीज़ माइका में यह है कि इस टूर्नामेंट में उन्होंने सिर्फ कॉलेजेस को नहीं अपने एलम्स को भी बुलाया है, सो वो एलम्स भी ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। माइका की तीन टीमें होती है, माइका ब्लैक, माइका रेड और माइका एलम्स। ट्राई करते चलो उनके एलम्स से बात करने, चलो मैं बात भी स्लेजिंग करी थी। क्या बात कर रहे हो, स्लेजिंग में IIM पीछे नहीं रहती। सो जैसे कि मैंने जस्ट डिस्कस कर रहे थे तो मैंने करेज लेके उनसे बात कर ली, सो दिस ऑल आर ग्रेट एलम्स ऑफ माइका एंड आई एम जस्ट आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस। यस सर, यार सर मत बोलो, आई एम फ्रॉम CCC 29, मतलब 1920 बैच का, ओके, एंड आई यूज्ड टू प्ले ड्यूरिंग माय टाइम, ओके, एंड लास्ट ईयर आल्सो आई हैड कम टू प्ले इन द स्पोर्ट्स फेस्टिवल एंड वी हैड वन, ओके, वी हैड डिफिकल्ट योर कॉलेज, अच्छा, एंड दिस टाइम आई एम नॉट गेटिंग टू प्ले बिकॉज़ आई लॉस्ट द फर्स्ट मैच, सो दैट्स ओके, आई मीन बट स्टिल आई एम एंजॉयिंग, आई एम वॉच कमिंग टू वॉच ऑल द मैचेस, इट इज फन। So last year your LM team, yeah, LM defeated IMNU. Yes, last year LM team defeated IMNU. I played against that guy also, Roger. Roger, right. If I get a chance, I'll play a friendly match tomorrow. That's all. Great. What about you, sir?
I'm from which batch? Yes, which batch? I passed out in 2015. Okay. And I like playing football. It's good to always come back here and play on our home ground. It's fun. Great, great. Yeah, I am 2011 pass out here. Yeah. Okay. So, really passionate about sports, and football and TT are my primary sports. So, I'm playing the TT finals tomorrow, already out of the football tournament, and just soaking in the atmosphere today. Exactly. Yeah, so that was a very subtle, you know, introduction from Manas. But actually, he's the one who started the summer tournament in 2011. Okay, okay. Yeah. So, yeah, he's the one who's driving this LM team as well. Achha, yeah. Achha, achha. So, I'm, you know, a pass out of 2021, the PGP 26 batch. And I just love being at Mike and, you know, playing sports. Right, right. Yeah, my main sports are badminton and volleyball, but I just played badminton last evening and we lost against Nirma. Okay. So yeah, but fun experience. Good to be here. Yes, yes. Thank you. Yeah. क्या बात है, दे हैव मंदिर कैंपस के अंदर, मंदिर, वाह वाह, बढ़िया। सो मैं और वेद जो है ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे पूरा कैंपस। एक्चुअली हमने वॉलीबॉल कोर्ट ढूंढ रहे हैं, बट हमें कहीं किसी प्रकार से नहीं मिल रहा है, बट पिछले आधे घंटे से ढूंढ रहे हैं। और उस चक्कर में हम लोग ने बहुत सारी नई चीज़ें एक्सप्लोर कर ली है यहाँ पे। तो सही है, सही है। अभी की बात है, कल मैंने वॉलीबॉल खेला है, फिर मेरे को नहीं मिल रहा कोर्ट। मज़े की बात है ये तो। और इस कैंपस की खासियत ये है कि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे डोम्स बनाए हैं इन लोग ने, जहाँ पे हर एक डोम, हर एक हॉस्टल का अलग अलग नाम दिया है। सो अभी वॉलीबॉल टूर्नामेंट है गर्ल्स की, हमारे बॉयज प्रैक्टिस कर रहे हैं। आ रही है, हमारे बॉयज प्रैक्टिस कर रहे हैं। हारे हुए हैं लेकिन प्रैक्टिस जारी है। 35-36 एक पॉइंट हार गए यार, एक पॉइंट हार गए यार, हार गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आर यू गाइस रेडी फॉर द टूर्नामेंट? सही है, सही है। तो भी थोड़ा वार्म अप भी कर लो आप लोग। वार्म अप भी कर लो, हो गया। मायका के मेस में खाते हुए। सो अभी भर पेट खाना खाने के बाद 9:15 बजे है अभी, एंड अभी एक फुटबॉल मैच भी चल रहा है, एंड फाइनल, सेमी फाइनल है आज, निर्मा वर्सेस मायका ब्लैक। एंड
अभी बैडमिंटन का भी कुछ क्वार्टर फाइनल्स या सेमीफाइनल्स चल रहा है, सो प्रोबेबली हम लोग इतना तो नहीं वेट करेंगे, 10 बजे के बाद निकल जाएंगे। फुटबॉल देखते हैं, फुटबॉल देखते फिर चलते, एक हाफ देख के चलते फिर। सो अभी सेमीफाइनल मैच है IMNU वर्सेस माइका ब्लैक, जो बहुत टफ मैच होने वाला है बिकॉज IMNU की जो स्ट्रॉन्ग टीम है उसमें से दो प्लेयर इंजर्ड है, सो लेट्स सी। एंड ये इंजर्ड वन है, इंजर्ड टू कहाँ पे? बाहर बैठा है। कैसा लग रहा जीत के गाइस? तो अभी 10:30 तो बज रहे हैं, वी आर लिविंग, 11 बजे तक हॉस्टल पहुंच जाएंगे। जस्ट केम बैक टू हॉस्टल, बहुत मज़ा आया, पूरा दिन पूरा इवेंट सही था, ये 3 दिन का इवेंट था तो आज सेकेंड डे हम गए थे एंड कल जाने की है हालत तो बिल्कुल नहीं है, है कुछ मैचेस जो फाइनल में खेलेंगे एंड आई होप IMNU जीते। एंड बिग शाउट आउट टू द माइका टीम जिन्होंने ये समर स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया, बहुत प्यारा है, बहुत जगह से कॉलेजेस आई थी एंड बढ़िया बढ़िया एंड सही है। और ऐसे व्लॉग्स और ये जर्नी, अभी लास्ट के 3 मंथ्स बाकी है मेरे MBA लाइफ में, सो हाँ, तो प्लीज़ जुड़िए एंड डू कमेंट डाउन योर फेवरेट सेशन। हाँ सेशन क्या बोल रहा हूँ, चलो सी यू, थैंक यू, बाय।